वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? यहाँ पे मैंने ना मक्की काटी, ढूंढ ढूंढ के थोड़ी मक्की पकी भी हुई थी, बट देख देख के काटनी पड़ती क्योंकि मैंने बनानी थी खुम्मे वगैरह, वो बनानी थी, तो उसके लिए मुझे चाहिए थी थोड़ी छोटी मक्की, तो वो मैंने काटी यहाँ से। और साथ में आपको पानी भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब पानी की जगह है। मैं ये सारे काम मतलब फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी किए नहीं है, बट मुझे अच्छे लगते हैं अब ये करना सारे काम। अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ खीरे लेने के लिए। मक्की के बीच में जो लगाए हुए खीरे वहाँ से तोड़ेंगे, देखेंगे अगर कोई मिलता है तो। ये मिली मुझे एक बेल खीरे की, बट इसमें है नहीं लगे हुए। ये रही खीरे की बेलें वगैरह, लेकिन यहाँ पे बीच में घुसना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से देखें, यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये है कि बेलें हमने लगाई थी मक्की के बीच में, वो मक्की सारी टूट गई है, हवा हुई और हवा की वजह से मक्की टूटी है, तो वो बिल्कुल टूटने के हिसाब से सारी बेलें नीचे गिर गई हैं। तो अब यहाँ पे ढूंढना बड़ी मुश्किल है। मैं ये गिरी हुई मक्की जो है मैं इसके बीच में से अंदर घुसती हूँ और फिर जाके कहीं अगर कुछ मुझे मिलता है वहाँ से तोड़ के लाती हूँ। देखें बहुत मुश्किल है इसके बीच में से घुस के अंदर से खीरे तोड़ के लाना। मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे, बट मुझे यहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं, शायद यहाँ पे कुछ भी नहीं है मुझे लग रहा है। मैंने बहुत ढूंढा है बट मुझे यहाँ से नहीं मिल रहे हैं। मुझे यहाँ पे मिल गया है एक और खीरा, यहाँ पे मैंने ला के मक्खी रखी। अब मैं इसमें से निकालूंगी, बीच में से खुम्मे वगैरह निकाल के तो फिर बनाएंगे। मैं इस तरह से निकालूंगी बीच में से, फिर मैं आग वगैरह जलाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, फिर मैं बनाऊंगी।
यहाँ से मैंने सारी निकाल लिए, साफ कर दी, बीच में से निकाल के मैंने यहाँ रखी। अब मैं इसको अच्छे से साफ करके तो लेके जाने लगी हूँ यहाँ से, फिर जाके मैं बनाऊंगी। क्या मैंने आग वगैरह जला के रख दिया, और मैंने तवा एक लिया है और उसके ऊपर में मैंने रख ली है वो मक्की वगैरह जो मैंने निकाल के रखी थी, वो मैंने रखी है क्योंकि इस तरह से इजीली बन जाएंगे। अभी इसको तो ये थोड़ी गर्म हो जाएंगी तवे पे, और जब मैं चूल्हे पे बनाऊंगी इसको तो वहाँ पे मुझे इजीली बन जाएंगी। ये आग वगैरह मैंने जला दी है। यहाँ से मैं डाल रही हूँ तवे से उतार के, चूल्हे में अंगारों पे रखूँगी तो वहाँ से बन जाएंगे। तो मैं एक्चुअली काम वगैरह ये मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी कुछ टाइम तक, मतलब कुछ टाइम पहले जब से मैं घर पे आई हूँ से लेके कुछ टाइम तक नहीं मैंने किया। बट मैंने फिर एक जगह कहीं पढ़ा कि जापान में ज़्यादा देर तक लोग यंग कैसे रहते हैं, है ना, और दूसरा उनकी एज भी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी जो एवरेज एज है वो 80+ है। तो मैंने वहाँ पे पढ़ा कि वो लोग मतलब अपना सारा काम ना खुद करते हैं। उनके स्कूल में भी कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि बच्चे अपना क्लासरूम खुद साफ़ करेंगे, अपने स्कूल का जितना भी उनका पोर्शंस होता है वो बच्चों से ही साफ़ कराया जाता है, मतलब उनको पहले से ही ट्रेन किया जाता है। तो ये लोग अपना काम खुद करते हैं, अगर मतलब देख कहीं पर अगर वो रोड पर है या कहीं पर भी उनको रास्ते में भी कुछ मिलता है तो वो लोग शर्म नहीं करते हैं उसको उठा के साइड डस्टबिन में डालने में या कहीं पे भी उसको रखने में। हम लोग शर्म करते हैं, हमें लगता है नहीं, लेकिन जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। हमें अपना हर काम जो है वो हर काम खुद करना चाहिए। काम करने से मतलब मैं तो ऐसा बोल रही हूँ कि एक एक्सरसाइज ही हो जाती है, जब हम काम करते हैं हमारी बॉडी को एक एक्सरसाइज मिल जाती है। पहले टाइम के लोग जो थे वो बहुत फिट हुआ करते थे और काफ़ी देर तक वो लोग ज़िंदा भी रहते थे, बट आज के टाइम में एज भी कम हो रही है और लोगों के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है कि हर चीज़ें आजकल हम मशीन वगैरह का यूज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से खुद तो हम काम करते नहीं हैं। पहले लोग खाना बनाते थे तो खाना बनाने में ही उनको कितनी सारी प्रॉब्लम होती, पहले लकड़ियाँ लेके आते थे, फिर कितने दूर से वो लोग लकड़ियाँ लाते थे फिर खाना बनाते थे चूल्हे पे। आजकल हम गैस वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, कुछ टेंशन तो है नहीं है। यहाँ पे मैंने खुमे वगैरह बना के रख दी हैं। अब मैं यहाँ से देखना निकाल के इसको रखूँगी, बड़ी मज़े की बनी हुई है। अब मैं पहले नहीं खाऊँगी, मैं सारी बनाऊँगी पहले फिर खाऊँगी। ये देखिए ये मैंने बना ली है, अब मैंने इसको रख दी है, बट मैं खाऊँगी नहीं अभी। मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले सारी बनाऊँगी उसके बाद खाऊँगी।
यहाँ पे अब आ चुकी है आरजू, और वो भी मुझे बोल रही है कि मैंने भी बना के लाई। मैंने कहा मैं भी नहीं दूंगी आज, कल मैंने उससे मांगी थी बट उसने मुझे दी नहीं थी, तो मैंने कहा आज मैं भी नहीं दूंगी तुझे। तो बोलती आप नहीं दो, मैंने खुद अपनी घर से ही बना के मैंने लाई हुई है।